अरे बच्चों, हम लोग बिलियन चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें हमने सांद्रता पदों का डिस्कशन कर लिया है, कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में हम जान चुके हैं। अब इस चैप्टर में विद्यमान जो कंसेप्ट हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्युबिलिटी, एक टर्म है, उसको देखते हैं। किसी द्रव में किसी ठोस के, किसी दूसरे द्रव के या किसी गैस के विलीन होने की जो प्रक्रिया है उसको समझते हैं और उसकी विलेयता के बारे में डिस्कस करते हैं। आइए देखें कि विलेयता क्या है। विलेयता या सॉल्युबिलिटी, विलेयता क्या है? यदि हम एक द्रव ले लें, इसकी एक निश्चित मात्रा ले लें, कुछ भी हो इसकी एक निश्चित मात्रा ले, पदार्थ की निश्चित मात्रा में यदि हम इसका तापमान निश्चित हो, किसी निश्चित तापमान हम टी ले लें, इस निश्चित तापमान पर विलायक की निश्चित मात्रा में कोई सोल्यूट जितना अधिकतम घुल सकता है वही इस विलयन की विलेयता कहलाएगी। अर्थात किसी निश्चित ताप पर किसी द्रव की निश्चित मात्रा में या किसी विलायक की निश्चित मात्रा में किसी विलेय की जितनी अधिकतम मात्रा घुल सकती है वही उस विलयन की विलेयता कहलाएगी। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं, निश्चित ताप पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा में जितनी अधिकतम मात्रा विलेय की, ध्यान रखिएगा, विलेय की घुल सकती है वही उस विलयन की विलेयता कहलाती है या सॉल्युबिलिटी कहलाती है। फिर हम लेते हैं, जैसे हमने किया कि 1 लीटर हमने ले लिया है, विलायक की 1 लीटर हमने मात्रा ले ली, तो ये निश्चित हमने कर दी। एक निश्चित टेम्परेचर ले लें, सपोज कीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसको कर दें। अब यदि हम किसी पदार्थ, मान लीजिए यानी सीएल को ले लें और इसमें हम घोलते जाएं, हमने उसमें 1 ग्राम डाला, फिर 2 ग्राम डाला, देख रहे हैं कि वो घुलता चला जा रहा है। मान लीजिए कि 25 ग्राम जाने के बाद या 30 ग्राम जाने के बाद यह और अधिक मात्रा जब हम इसमें डाल रहे हैं तो वह इस विलयन में घुल नहीं रहा है। अगर वह इस विलयन में नहीं घुल रहा है तो हम कहेंगे इतनी अधिकतम मात्रा इस विलयन में घुली, तो ये जो अधिकतम मात्रा यहाँ पे घुली है इसी को हम कहेंगे कि 30 ग्राम पर लीटर इस विलयन की सॉल्युबिलिटी होगी। अर्थात विलयन की जो सॉल्युबिलिटी होगी दैट विल बी 30 ग्राम पर लीटर।
यदि हम इसे जो निश्चित मात्रा हम ले रहे हैं इसे ग्राम में किलोग्राम में ले लेते, मन केजी ले लेते, तब भी हम रिप्रेजेंट कर सकते थे। तब हम सॉल्युबिलिटी किसको कहते, 30 ग्राम पर केजी। सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका है मोल फ्रैक्शंस। जैसे हम कहें कि इसके यन मोल अगर घुले हुए हो, विलायक के यन मोल यहाँ पे विद्यमान है, हमने केवल निश्चित मात्रा कहा है, यह नहीं कहा है कि वो लीटर में हो या किलोग्राम में हो या मोल में हो किस में हो, केवल इसकी निश्चित मात्रा होनी चाहिए। और उसमें सोल्यूट की जितनी अधिकतम मात्रा घुल सके वही उस विलयन की सॉल्युबिलिटी होती है। तो यहाँ पे हम अगर मोल फ्रैक्शन के रूप में सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम कहें कि जो विलायक हमारा है उसके हमने यन मोल ले लिए और इसमें अधिकतम यन मोल यन सी यानी सीएल के घुल सकते हैं, यानी सीएल के अधिकतम यन मोल घुल सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी तब क्या हो जाएगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो इसे हम लिखते हैं, आप जानते हैं इसका फॉर्मूला हम लोगों ने कर लिया है। तो इस दशा में जो मोल फ्रैक्शन होगा सोल्यूट का वह हमारी सॉल्युबिलिटी के रूप में हम इसको देख सकते हैं। तो सॉल्युबिलिटी की जो यूनिट होगी वह आप ग्राम पर लीटर में ले सकते हैं, ग्राम पर केजी में आ सकता है, और उसका हम मोल फ्रैक्शन के रूप में भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ध्यान रखिएगा कि इसका उपयोग होगा क्योंकि हेनरी ला में मोल फ्रैक्शन से ही हमारा काम आगे बढ़ेगा। अब ये तो हुई सॉल्युबिलिटी की बात। इस केस में हमने जो लिया वो हमारी सॉल्युबिलिटी एग्जाम्पल के रूप में जो हमने लिया है यहाँ पे उसमें 30 ग्राम पर लीटर हमने लिया है। यहाँ पे जो अभी हमने उदाहरण दिया उसकी मोले सॉल्युबिलिटी थी 30 ग्राम पर लीटर। अब इसी को संदर्भ में रखते हुए हम कुछ विशेष प्रकार के विलयनों के बारे में चर्चा करते हैं। कहा जाता है संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन क्या होते हैं, वह विलयन जिसमें विलेय के उतने पदार्थ घुले हुए हों जितनी उसकी सॉल्युबिलिटी है। अर्थात यदि हम एक लीटर पानी ले लें और इसमें सॉल्युबिलिटी यानी सीएल की कितनी आई थी वाटर में 30 ग्राम, तो हम अगर इसमें 30 ग्राम डाल दें यानी सीएल डाल दें तो यह जो विलयन प्राप्त होगा वही विलयन कहलाएगा संतृप्त विलयन। अर्थात सॉल्युबिलिटी के बराबर विलेय जिस विलयन में घुले हुए होंगे वह विलयन संतृप्त विलयन होगा। एक और कंसेप्ट आता है असंतृप्त विलयन का, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। असंतृप्त कब होगा, निश्चित तौर पर जान रहे हैं अगर संतृप्तावस्था के लिए 30 ग्राम यानी सीएल चाहिए तो निश्चित तौर पे अगर 30 ग्राम से कम यानी सीएल इसमें घुला होगा तो हम कहेंगे कि वह विलयन असंतृप्त है, अभी संतृप्त नहीं हुआ है। तो
असंतृप्त विलयन वे विलयन होते हैं जिसमें संतृप्तावस्था को प्राप्त करने के लिए जितनी अमाउंट सोल्यूट के चाहिए उससे कम सोल्यूट उसमें घुले हुए हों। इस केस में अगर हम कहें कि इसमें 28 ग्राम घुला हुआ है, पर लीटर घुला है, तो 28 ग्राम पर लीटर वाला जो विलयन होगा वह असंतृप्त होगा, क्योंकि संतृप्त होने के लिए 30 ग्राम पर लीटर चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कितना है, 28 ग्राम। तो ऐसे विलयन को कहेंगे अनसेचुरेटेड विलयन, असंतृप्त विलयन। इसके बाद की जो अवस्था आती है वह आती है असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। सुपर सैचुरेटेड विलयन नाम से ही काफी, नाम से ही क्लियर है कि असंतृप्त विलयन होगा क्या, यानी संतृप्तावस्था के लिए जितना सोल्यूट चाहिए उससे अति हो, यानी ज्यादा हो। अगर किसी ढंग से हम ऐसी व्यवस्था कर सकें कि उस विलयन में जितनी उसकी सॉल्युबिलिटी है या उस विलयन को संतृप्त करने के लिए जितने ग्राम सोल्यूट की आवश्यकता हो उससे अधिक सोल्यूट उसमें घुल जाए, तो हम कहेंगे कि वह विलयन सुपर सैचुरेटेड है या अति संतृप्त विलयन है। जैसे अगर हम कुछ विशेष कंडीशंस में उससे ज़्यादा घुल नहीं सकता, नॉर्मल टेम्परेचर पर जो हमने टेम्परेचर रखा था उस टेम्परेचर पर यह उससे ज़्यादा नहीं घुल सकता, लेकिन यदि हम टेम्परेचर बढ़ा दें या प्रेशर की कंडीशंस को चेंज कर दें, तो यदि इस विलयन में 35 ग्राम पर लीटर घुल जाए, तो आपने देखा कि संतृप्तावस्था के लिए 30 ग्राम चाहिए था और हमारे इस विलयन में 35 ग्राम यदि घोल पाए हम, तो यह जो विलयन बनेगा यह विलयन कहलाएगा अति संतृप्त विलयन या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने देखा कि कोई किसी विलयन की विलेयता क्या है, वह विलयन सैचुरेटेड कब होगा, वह अनसैचुरेटेड कब होगा या सुपर सैचुरेटेड कब होगा। नेक्स्ट प्रश्न उठता है कि किसी पदार्थ की या किसी विलयन की सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो हम इसका डिस्कशन अलग अलग केस में करेंगे कि जब किसी द्रव में ठोस घोला जाए, जब किसी द्रव में, देखिए जो यहाँ पे हो सकता है वो कुछ कंडीशन ये है कि अगर हम विलायक ले लें, विलायक को हम द्रव ले लें और इसमें हम घोलना चाह रहे हैं, इसमें हम ठोस घोल सकते हैं, यहाँ पे द्रव ले सकते हैं और यहाँ पे गैस ले सकते हैं। विलायक तो हमारा द्रव है, लेकिन जो विलेय है वो इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, तो हम दोनों केसेस को एक साथ लेंगे और एक केस को अलग से डिस्कस करेंगे। इन दोनों में ठोस को किसी द्रव में विलेय करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी कैसे प्रभावित होगी, या किसी द्रव को किसी द्रव में विलयन करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी कैसे प्रभावित होगी, इसको प्रभावित करने वाले जो कारक होंगे वे कौन से होंगे। तो अगर हम कारक देखें, इसमें तीन कारक आते हैं, महत्वपूर्ण हैं। पहला कारण है, कारक है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। विलेय और विलायक के की प्रकृति क्या है। दूसरा कारक आता है
टेम्परेचर, और तीसरा आता है प्रेशर। अभी हम पहले ठोस और द्रव की दशा में ये तीनों कारकों का डिस्कशन करते हैं, और फिर गैस के केस में हम अलग से फिर इन्हीं तीनों कारकों का डिस्कशन करेंगे। यदि हम नेचर ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो नेचर ऑफ सॉल्यूट हम जानते हैं समान प्रकृति के विलायक, समान प्रकृति के विलेय को घोलते हैं, इक्वल डिजॉल्व इक्वल या सेम डिजॉल्व सेम। कोई भी पदार्थ होगा, मैं जानता हूं इसकी दो प्रकृति है, एक है कि ये पोलर हो सकता है, पोलर नेचर इसका हो, और एक होता है नॉन पोलर। पोलर नेचर वाला अगर सॉल्वेंट हुआ, अगर सॉल्वेंट पोलर हुआ और सॉल्यूट भी पोलर हुआ, ये भी पोलर हुआ, तब तो विलेयता अधिक होगी। नॉन पोलर वाला सॉल्वेंट हो, अगर नॉन पोलर सॉल्यूट भी रहे तो विलेयता अधिक होगी। किंतु यदि पोलर नेचर वाले सॉल्वेंट में नॉन पोलर वाला कोई सॉल्यूट मिला दिया जाए तो वह उसमें नहीं घुलेगा, या घुलेगा भी तो बहुत कम मात्रा में घुलेगा। उदाहरण लें, जैसे हम कहते हैं पोलर सॉल्वेंट हमारा H2O, ये पोलर सॉल्वेंट। अगर जल में हम NaCl को घोल दें, जो कि क्या है, पोलर है, यह भी पोलर है, यह भी पोलर है। आप पोलर पढ़ चुके होंगे, कोई पदार्थ पोलर कब बनता है, आप जानते हैं इस कंपाउंड अवस्था में होते हुए भी इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इस पर निगेटिव चार्ज रहेगा, और इस वजह से एक पॉजिटिव चार्ज का पोल और एक निगेटिव चार्ज के पोल बनते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम, जो आयनिक नेचर के होंगे, उन्हें हम पोलर नेचर वाले पदार्थ कहेंगे। तो यहाँ पे NaCl भी पोलर है और H2O भी पोलर है, ये दोनों एक दूसरे को बड़ी आसानी से डिसॉल्व कर लेंगे, इनकी विलेयता अधिक होगी। किंतु यदि हम H2O में पानी में वनस्पति तेल को घोलें या नेफ्थलीन की गोली घोल दें, नेफ्थलीन की को घोल दें, तो आप देखते हैं कि यह इसमें नहीं घुलते। ये भी द्रव है और ये द्रव है, लेकिन दोनों द्रव एक दूसरे में नहीं घुलेंगे। क्यों नहीं घुलते, क्योंकि यह पोलर नेचर का है और यह, सॉरी, यह नॉन पोलर नेचर का है और यह पोलर नेचर का है। तो चूंकि नॉन पोलर पोलर में नहीं घुलता है या बहुत ही कम घुलता है, इसलिए दोनों एक दूसरे में नहीं घुलेंगे। तो यहाँ से यह निष्कर्ष निकल रहा है कि यदि हम किसी पोलर विलायक में पोलर सॉल्यूट को घोलेंगे तो उसकी विलेयता अधिक होगी, या किसी नॉन पोलर जैसे हम बेंजीन ले लें और इसमें हम क्लोरोफॉर्म ले लें या कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लें, क्लोराइड ले लें, ये दोनों नॉन पोलर हैं। तो अगर CCl4 नॉन पोलर है और बेंजीन भी नॉन पोलर है, तो
तो ये आपस में एक दूसरे में काफ़ी आसानी से विलय हो जाएंगे। अर्थात बेंजीन में अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड को घोलेंगे या बेंजीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोलेंगे तो विलयता अधिक होगी, किंतु यदि हम चाहें कार्बन टेट्राक्लोराइड को पानी में घोल लें या बेंजीन को पानी में घोलें तो ये विलयता इनकी बहुत ही कम होगी या ना के बराबर होगी। तो पहला तो है कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यहाँ पे इक्वल डिजॉल्व्स इक्वल रूल आप रखे रहिए कि समान प्रकृति के विलेय समान प्रकृति के विलायक में घुलते हैं, असमान प्रकृति के विलायक और विलेय आपस में नहीं घुलते हैं, या घुलते भी हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती। दूसरा यहाँ पे हम लें टेम्परेचर कैसे इनको प्रभावित करता। टेम्परेचर का प्रभाव क्या होता, हम जानते हैं कि यदि हमारा सॉल्वेंट ले लें और इसमें सॉल्यूट को डालें यदि ये डिसोल्यूशन की जो प्रक्रिया है घुलन की जो प्रक्रिया है यह एक्सोथर्मिक हो, अर्थात सॉल्यूट को सॉल्वेंट पे डालने पर कुछ एनर्जी बाहर निकलती हो, तब हम यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विलेयता घटेगी। इस दशा में जो हमको सॉल्यूशन प्राप्त होगा इस सॉल्यूशन का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो विलेयता होगी वह घटेगी। ये किस नियम पर आधारित है, आप 11 में पढ़ चुके होंगे लिचैटलियर्स प्रिंसिपल, ला सातेलिए प्रिंसिपल में कहा गया था कि यदि कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और उस रिएक्शन का टेम्परेचर हम बढ़ा करके रिएक्शन कराएंगे तो निश्चित तौर पर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, अर्थात उसकी विलेयता, यहाँ पे विलेयता विलयन बनाना है, डिसोल्यूशन करना है। तो अगर डिसोल्यूशन की प्रक्रिया एक्सोथर्मिक होगी और हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो निश्चित तौर पर जो डिसोल्यूशन होगा वो कम होगा, तो विलेयता उसकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और यदि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये इंडोथर्मिक हो, इंडोथर्मिक हो तो क्या होगा, उस दशा में जो सॉल्यूशन बनेगा अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, इसके टेम्परेचर को बढ़ा दें तो जो सॉल्यूशन होगा विलेयता होगी इसकी वो बढ़ जाएगी, इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। कैसे, जरा सा हम देखें। एक प्रक्रिया है, आप कभी देखे होंगे कीड़ा बनाते हुए, आप पानी लेते हैं उसमें चीनी घोलते हैं, तो कब तक चीनी घुलती है, एक निश्चित समय तक चीनी घुलेगी उसके बाद बंद हो जाती है घुलना उसमें। लेकिन जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आप देखते हैं जो हलवाई है सीढ़ा बनाता है वो उसको जब नीचे से गर्म करता है तो उसमें कितनी अधिक मात्रा में चीनी डाइल्यूट हो जाती है, घुल जाती है। तो चूंकि वह प्रक्रिया कैसी थी, एंडोथर्मिक थी, इस वजह से टेम्परेचर जब हमने उसमें बढ़ाया तो उसकी विलेयता बढ़ गई, अर्थात उसमें सॉल्यूट की मात्रा और अधिक मात्रा बढ़ गई। किंतु यदि वह एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहा होता कि दोनों को मिलाने पर वहाँ पे हीट निकल रही होती, इवॉल्व हो रही होती, तो निश्चित तौर पे उस दशा में अगर हम टेम्परेचर बढ़ा के सोचते कि उसमें हम चीनी को और घोल लें तो वह और नहीं घुलती। जैसे हम यहाँ पे मान सकते हैं एक्सोथर्मिक के केस में यदि हम चूने को ले, चूने को अगर हम पानी में घोलना चाहें तो चूंकि यह क्या होगी, यह जो रिएक्शन होता है
वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो एक निश्चित अमाउंट के बाद ये इसमें घुल जाता, आसानी से घुल जाता। लेकिन यदि हम चाहें कि गर्म पानी में इस चूने को घोलें, पानी को पहले से ही गर्म करके और फिर उसमें चूना डालें, तो निश्चित तौर पे इसकी जो विलेयता होगी, उसमें घुलने की प्रक्रिया होगी, वह डिप्रेस होगी, कम हो गए। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकल रहा है कि यदि सोल्यूट को सॉल्वेंट में हम मिला रहे हैं और यह जो घुलने की प्रक्रिया है, डिसोल्यूशन की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में यदि प्रक्रिया एक्सोथर्मिक होगी तो जो सोल्यूशन है उसकी विलेयता घटेगी, यानी उसमें कम पदार्थ विलेय का घुल पाएगा। और यदि हम टेम्परेचर को कम रखें, एक्सोथर्मिक के केस में अगर कम टेम्परेचर पर हम घोलेंगे तो उसमें सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा घुल जाएगी, अर्थात उसकी विलेयता ज़्यादा हो जाएगी। और यदि सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने की जो प्रक्रिया है वो एंडोथर्मिक हो, ऊष्माशोषी हो, तब हम अगर इसको टेम्परेचर देंगे, अधिक देंगे, तब सोल्यूट की ज़्यादा मात्रा उसमें घुलेगी, अर्थात उसकी विलेयता बढ़ जाएगी। अब लास्ट आता है कि यदि हम प्रेशर चेंज करें तो क्या प्रभाव पड़ता है। प्रेशर चेंज करने पर यदि किसी द्रव में द्रव को घोला जाए या किसी द्रव में ठोस को घोला जाए तो विलेयता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। उसका कारण है प्रेशर डज नॉट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड इन लिक्विड बिकॉज द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज वेरी माइल्ड, बहुत ही कम होती है। यहाँ पे जो कंप्रेसिबिलिटी है या संपीड्यता है, ये ठोस एवं द्रव, ठोस एवं द्रव की कंप्रेसिबिलिटी या संपीड्यता बहुत कम होती है। और जब इसकी संपीड्यता कम होगी तो प्रेशर डालने पर, बहुत अधिक प्रेशर डालने पर भी इस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो घुलने की प्रक्रिया है उस घुलन की प्रक्रिया पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। यह देखा गया है कि यदि विलायक द्रव हो उसमें ठोस डाल दिया जाए और प्रेशर को चेंज किया जाए, वैरी कराया गया, तो उसकी सॉल्युबिलिटी पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ठोस हम उसमें घोल रहे थे या जो द्रव विलेय उसमें घोल रहे थे उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो काफ़ी कम है। कंप्रेसिबिलिटी अगर अधिक रही होती तो निश्चित तौर पर विलेयता पर इसका प्रभाव कुछ और पड़ता। गैस के केस में हम देखेंगे कि गैस के केस में प्रेशर का काफ़ी बड़ा रोल है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इस ढंग से हम देखते हैं कि ठोस और द्रव की को अगर हम किसी द्रव में विलीन करना चाह रहे होंगे तो विलेयता समान नेचर वाले के साथ बढ़ेगी। अगर समान नेचर का सोल्यूट और सॉल्वेंट होगा तो बढ़ेगी। दूसरा है, अगर एंडोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगी, और यदि एक्सोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता घटेगी। प्रेशर का इसकी विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं किसी द्रव में गैस की विलेयता। द्रव में गैस की विलेयता, द्रव में गैस की विलेयता
अगर हम इसको विलीन करना चाहेंगे तो जरा सा देखिए होगा क्या। हमने एक द्रव ले लिया है, द्रव इसमें हम किसी गैस को डिसॉल्व करना चाह रहे हैं, गैस को डिसॉल्व करना चाह रहे हैं, तो कब ज्यादा गैस इसमें डिसॉल्व होगी और कब कम गैस डिसॉल्व होगी। तो जो वहां पे हमने पढ़ा हुआ है ठोस के केस में कि नेचर ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये यहां पे भी लागू होता है। यदि समान प्रकृति की सोल्यूट यानी गैस समान प्रकृति का सॉल्वेंट होगा यानी लिक्विड, तो उसमें आसानी से घुलेगा, उस दशा में इसकी विलेयता अधिक होगी, अधिक गैस घुलेगी। किंतु यदि नेचर इसका अलग होगा तो विलेयता कम होगी। ये हम डिस्कस कर चुके। यहां पे जो सॉल्यूशन की प्रक्रिया होती है, गैस की द्रव में घुलने की प्रक्रिया होती है, वो कंडेंसेशन से जुड़ी हुई। गैस की द्रव में विलेयता ये सिमिलर होती है संघनन से, कंडेंसेशन से, कंडेंसेशन। और जो कंडेंसेशन होता है यह होता है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कंडेंसेशन आप जानते हैं, कोई गैस यदि द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो रही है, कोई वाष्प द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो रही है, इस प्रक्रिया को कंडेंसेशन कहते हैं। यहां पे भी लगभग यह प्रक्रिया गैस की द्रव में विलेयता और कंडेंसेशन दोनों एक जैसी मैकेनिज्म को धारण करते हैं। अब चूंकि संघनन जो होता है यह होता है एक्सोथर्मिक नेचर का। कैसे? आप जानते हैं कि यदि वाष्प को हम ठंडा करेंगे, द्रव अवस्था में ले आएंगे, तो कुछ एनर्जी बाहर निकलती है। जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती थी वह वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बाहर निकलती है। जब कोई ऊर्जा बाहर निकल रही है इसका मतलब उसका नेचर क्या है? एक्सोथर्मिक। और गैस की द्रव में विलेयता अगर संघनन के समतुल्य है और संघनन एक्सोथर्मिक है तो निश्चित तौर पे इसका भी नेचर क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। और जब एक्सोथर्मिक होगा तो हम कहेंगे कि अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पे गैस की द्रव में विलेयता घट जाएगी, क्योंकि लीच एटियर प्रिंसिपल कहता है कि एक्सोथर्मिक के केस में कम टेम्परेचर पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो यहां पे हमारा रिएक्शन क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो यदि हम ताप को बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या होगी? घटेगी, विलेयता घट जाएगी। इसीलिए यदि किसी गैस को हम किसी द्रव में घोलना चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा गैस की उस द्रव में पहुंच जाए, तो हमें उस द्रव का टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा, क्योंकि जो डिसोल्यूशन की प्रक्रिया है वह भी एक्सोथर्मिक है, और यदि हम अधिक टेम्परेचर भी दे देंगे तो लीच एटलियर प्रिंसिपल के अनुसार उस रिएक्शन जो होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, यानी हम जो चाह रहे हैं वो हमको नहीं मिलेगा। यानी गैस का हम अधिक मात्रा में विलयन उसमें चाहते थे, लेकिन वह अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो गैस उसमें ज़्यादा मात्रा में नहीं घुलेगी। आप देखे होंगे यही कहा जाता है कि गर्म जल में मछलियां या जलीय जीव रहना पसंद नहीं करते हैं, ठंडे पानी में रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि गर्म पानी में आप देख रहे हैं कि गैसों की विलेयता कम हो जाएगी,
जब हम बढ़ाएंगे तो विलेयता घटेगी गैस की, अर्थात जब पानी गर्म होगा तो उसमें वायु में विद्यमान जो ऑक्सीजन होगी वह कम घुलेगी, और जब पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो जलीय जंतुओं को सांस लेने में दिक्कत होगी, इसीलिए वे ठंडे पानी में रहना पसंद करती हैं, गर्म पानी में नहीं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है कि जलीय जीव गर्म पानी में रहना क्यों पसंद नहीं करते, क्योंकि गर्म पानी में वायुमंडल में विद्यमान ऑक्सीजन की जो द्रव में विलेयता है वह कम हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता गैस की घटती है। तो इस ढंग से आप प्रूफ कर सकते हैं कि क्यों ऐसा होता है। अब हमारा प्रश्न आता है कि यदि हम प्रेशर में परिवर्तन करें तो क्या होगा, क्या हम यहाँ प्रेशर वाले टर्म को कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे। तो निश्चित तौर पे यहाँ हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि गैस की कंप्रेसिबिलिटी काफ़ी अधिक है, गैस की संपीड्यता अधिक है, और जब हम गैस पर दबाव डालेंगे तो निश्चित तौर पे गैस संकुचित होगी, और संकुचित हो करके निश्चित तौर पे उसकी विलेयता बढ़ेगी। तो इस चीज का अध्ययन सबसे पहले हेनरी महोदय ने किया था, और उन्होंने बताया किसी द्रव में, किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता द्रव की सतह पर विद्यमान गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात यदि हम किसी निश्चित ताप ले लें, ताप को निश्चित कर लें, क्योंकि हम गैस का प्रभाव देखना चाह रहे हैं इसलिए ताप को हम निश्चित कर लेते हैं, किसी निश्चित ताप पर किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता किस पर निर्भर करती है, किसके अनुक्रमानुपाती होती है। आप देख रहे हैं ये सतह है, द्रव की सतह है, द्रव की सतह के ऊपर किस गैस को हमें विलीन करना है, इसमें जो बाहर विद्यमान है इस द्रव में विलीन करना है, तो इसके लिए एक इंटरफेस हमको मिल रहा है, गैस निश्चित तौर पे और कहीं से तो इसमें डिजॉल्व होगी नहीं, डिजॉल्व होगी तो कहाँ से होगी, इस ओपन सरफेस पे होगी। तो ये जो खुला हुई सतह है, गैस और द्रव के बीच का जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस के ऊपर गैस के पार्शियल प्रेशर के ऊपर निर्भर करती है, अर्थात किसी निश्चित ताप पर गैस की द्रव में विलेयता द्रव की सतह पर गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। यही हेनरी लॉ है, किसी निश्चित ताप पर गैस की द्रव में विलेयता द्रव की सतह पर गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होगी। आंशिक दाब आप पढ़ चुके हैं, अभी हम थोड़ी देर में इसको थोड़ा सा हम और क्लियर कर देंगे। आप गैस मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन गैस को घोलना है, और जो यहाँ पे वायु विद्यमान है उस वायु में 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका आंशिक दाब है ऑक्सीजन का, तो इसकी कुछ विलेयता होगी। किंतु यदि ऐसी वायु यहाँ आ जाए जिसमें
दो की जगह चार एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली ऑक्सीजन गैस विद्यमान हो जाए, तो जिस वेसल के ऊपर चार एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला ऑक्सीजन होगा उस पानी में ज़्यादा ऑक्सीजन घुली होगी और यहाँ पे कम ऑक्सीजन घुली होगी। हेनरी यही कहते हैं कि किसी द्रव में गैस की जो विलेयता होगी, द्रव की सतह पर विद्यमान उस गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होती, अर्थात जैसे जैसे आप आंशिक दाब को ऊपर बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसकी विलेयता इसमें बढ़ती जाती। किंतु मैथमेटिकली जैसा उन्होंने रिप्रेजेंट किया वो इस रूप में अपने फार्मूले को नहीं दिया, उसके लिए हमें थोड़ा सा और अलग हट के देखना है। जैसे हम कहें कि ये हमारा द्रव है और इसके ऊपर कोई गैस विद्यमान और यहाँ पे हम गैस ले लें, मान लीजिए यहाँ पे हमने दो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया उस गैस का और यहाँ पे चार एटमॉस्फेरिक प्रेशर गैस का लिया, यहाँ पे सेम अमाउंट है लिक्विड का। अब निश्चित तौर पे हेनरी लॉ क्या कहता है, इसमें कम गैस घुली होगी और इसमें ज़्यादा घुलेगी, क्यों, क्योंकि सतह पर यहाँ पे गैस का आंशिक दाब ज़्यादा है। यदि यहाँ पे ज़्यादा घुली होगी गैस तो निश्चित तौर पे इसमें गैस के मोल फ्रैक्शंस क्या होंगे, गैस के मोल फ्रैक्शन मोल प्रभाज और यहाँ पे गैस का मोल प्रभाज क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन निश्चित तौर पे यहाँ पे अगर ज़्यादा गैस घुली है तो गैस के मोलों की संख्या क्या होगी, गैस के मोलों की संख्या बटे गैस प्लस द्रव के मोलों की संख्या, यही तो होगी। इसी को हम कह सकते हैं गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और यहाँ पे हम कहेंगे ये भी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, सेम यही चीज है, गैस के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय टोटल, ऐसे हम लिख दे रहे हैं, यानी गैस है ये और ये गैस है, ये सॉल्वेंट है। अब देख रहे हैं कि निश्चित तौर पे इसमें अगर ज़्यादा गैस घुली है तो नीचे वाला पद तो बराबर है लेकिन यहाँ पे गैस के मोलों की संख्या ज़्यादा घुली होने की वजह से यह जो टर्म आएगा ज़्यादा आएगा और यह टर्म कम आएगा, अर्थात जो गैस इसमें घुलेगी, लिक्विड फेस में जो गैस घुली हुई होगी वह किस पर निर्भर कर रही है, इसमें ऊपर विद्यमान जो गैस है इस के पार्शियल प्रेशर पर निर्भर कर रही है। तो अब इसमें जितनी गैस घुली हुई है इस घुली हुई गैस को यदि हम मोल प्रभाज के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो इस लिक्विड में डिसॉल्व है, गैस इन लिक्विड, ये प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, मोल फ्रैक्शन
ऑफ गैस इन लिक्विड। फिर से समझें कि यहाँ पे अगर इस वाले नियम से, इनके इस नियम से ये चीज़ क्लियर है कि जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे ज़्यादा गैस घुलेगी, तो जो घुली हुई गैस है उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। इस लिक्विड में घुले हुए मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के, तो जब यहाँ ज़्यादा होगा तो इसमें मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, और जब मोल फ्रैक्शन यहाँ ज़्यादा होगा तो निश्चित तौर पे यहाँ पे जो गैस घुली हुई होगी उसका पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा होगा। वही चीज़ इस इक्वेशन से कहा जा रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड फेज। इसी चीज़ को यदि हम ओपन कर दें तो हमें मिलेगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और यह जो है यही आपका हेनरी इक्वेशन है। यदि इसे हम प्लॉट करें यहाँ पे, हम पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ले लें इन लिक्विड और इधर हम ले लें मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, तो एक चूंकि लीनियरिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कर्व हमें कुछ इस ढंग से मिलेगा। और यदि हम यहाँ पे इस चीज को निकालें तो के एच हमारा क्या आएगा? के एच विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो यहाँ से यह चीज जो आ रही है हमारी, कुछ यहाँ पे आ रही, तो ये जो थीटा हमारा होगा, ये टेन थीटा दैट विल बी स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व। और स्लोप ऑफ कर्व है क्या? टेन थीटा अगर हम निकालेंगे तो ये वाला हो जाएगा डेल्टा पी गैस, और ये वाला हो जाएगा डेल्टा एक्स गैस। यही हमारा इतने बटे इतने अगर टेन कर रहे हैं तो डेल्टा पी गैस डिवाइडेड बाई डेल्टा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और ये चीज़ थी क्या? के एच। तो हेनरी कांस्टेंट कुछ और नहीं है बल्कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड तथा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड के बीच में यदि हम ग्राफ प्लॉट करें तो जो ग्राफ आएगा उसी का अगर हम स्लोप निकाल लें तो जो स्लोप होगा वही हमारा के एच होगा। आप देख रहे हैं इस ग्राफ से कि यहाँ पे यदि हम ग्राफ को थोड़ा सा टिल्ट करें, यदि हम ग्राफ को टिल्ट करें, एक ग्राफ हम ऐसे बना लें, एक ग्राफ को हम ऐसे ले जाएं और एक ग्राफ को हम यहाँ ले लें, तो इस ग्राफ में आप देख रहे हैं स्लोप का मान, ये फर्स्ट ग्राफ है, सेकंड ग्राफ है और ये थर्ड ग्राफ है। तो निश्चित तौर पे के एच फॉर फर्स्ट ये सबसे कम है। क्यों? क्योंकि यह एंगल छोटा है, और जब छोटा है एंगल तो निश्चित तौर पे इसके टेन थीटा की वैल्यू कम होगी,
और जब टेन थीटा की वैल्यू कम होगी तो वही टेन थीटा ही तो क्या था, के एस था। तो यहाँ पे सबसे कम के एच सेकेंड केस में ये मध्यम है और के एच का मान तीसरे केस में सबसे अधिक। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि KH के परिवर्तन से सॉल्युबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी सॉल्युबिलिटी कैसे चेंज होगी। हम यहाँ पे देखते हैं, यदि हम पार्शियल प्रेशर यहाँ से यहाँ के बीच में लें, यहाँ से यहाँ के बीच में हम लें, अगर हम यहाँ पे पार्शियल प्रेशर लेके जा रहे हैं तो देख रहे हैं यहाँ और ये कुछ यहाँ जा करके मिल रहा है। अब इन दोनों के रिस्पेक्ट में अगर हम सॉल्युबिलिटी को देखेंगे तो हमारी सॉल्युबिलिटी कुछ इतनी निकल के आ रही है। यदि हम इस केस में देखेंगे तो यहाँ पे उसी टेम्परेचर के डिफरेंस पर यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी आ रही है वो इन दोनों के बीच में आ रही है, तो निश्चित तौर पर ये मध्यम है। और इस केस में जब हम देख रहे हैं तीसरे वाले केस में, तो हमारा जो सॉल्युबिलिटी आ रहा है कुछ इतना आ रहा है। आप देख रहे हैं कि ये हमारा डेल्टा एक्स जी है, यहाँ के लिए डेल्टा एक्स जी है पहले वाले के केस में, ये दूसरे वाले के केस में, और यह जो है डेल्टा एक्स जी है तीसरे के केस में। तो डेल्टा एक्स जी जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस किस केस में ज़्यादा आ रही है, जब सबसे के का मान सबसे कम हो। इस दशा में डेल्टा एक्स जी का मान अधिक आ रहा है, और आप जानते हैं डेल्टा एक्स जी का मान विलेयता पर निर्भर करता है, इसका मतलब इसकी विलेयता क्या होगी, अधिक होगी। यहाँ पे ये मध्यम है तो इसकी विलेयता क्या हो जाएगी, मध्यम होगी। और यहाँ पे सबसे कम होगी। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकल रहा है कि KH का मान अगर हम बढ़ाएंगे तो विलेयता कम होगी, और KH का मान अगर हम घटाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी। एक और चीज़ है, KH डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। अलग अलग पदार्थों के लिए KH का मान अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हमने इस इक्वेशन का डिस्कशन किया। अब इस इक्वेशन से रिलेटेड हम एक नियम और लिख सकते हैं, अगर इसको लिटरेरी लिखना चाहें। इस इक्वेशन से हम हेनरी लॉ को दूसरे रूप में लिख सकते हैं। क्या कह रहा है ये, किसी द्रव में विद्यमान गैस का आंशिक दाब उस द्रव में विलीन गैस के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। पहली वाली डिफिनीशन में इनके ये बताया गया था कि जो विलेयता है वह विलेयता निर्भर करती है द्रव की सतह पर विद्यमान गैस के आंशिक दाब के। लेकिन इस नियम में सेम वही नियम है, मैंने दिखाया कैसे ये कन्वर्ट होके आता है।
इस नियम में यह कहा गया है कि किसी द्रव में विद्यमान घुली हुई गैस का जो आंशिक दाब होगा वह उस गैस में विद्यमान पार्शियल प्रेशर के सॉरी वह जो पार्शियल प्रेशर होगा वह उस गैस में विलीन विलेय यानी गैस के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होगा। वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। अब आता है कि हेनरी लॉ का उपयोग कहाँ कहाँ है, कहाँ हम दैनिक जीवन में इनका उपयोग पाते हैं, इस नियम का उपयोग पाते हैं, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण है शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक। आप देखते हैं कि जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोली जाती है, जब हम इसको खोलते हैं तो इसमें से गैस के बुलबुले उठते हैं और ये बाहर निकलती है, झाग के रूप में बाहर निकलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम इस गैस की पैकिंग इस शीतल पेय की पैकिंग कर रहे थे तो उसमें अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जिससे घुल सके, इसको हमने काफ़ी अधिक दाब पर इस चीज़ को इसमें फिल किया था भरा हुआ, और जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे इस लिक्विड में, अगर हमें किसी चीज़ को घोलना था तो यहाँ का अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो निश्चित तौर पे दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाएगी, तो गैस इसमें अधिक मात्रा में घुल जाएगी और उसी अधिक दाब पर ही हम इसको भर कर करके जब इसमें अधिक गैस पैक हो गई तो हमने इसके ऊपर डाट लगा दिया था, ढक्कन लगा दिया था। अब यह गैस चूंकि इसके अंदर अभी भी प्रेशर उतना ही विद्यमान है, इस वजह से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक मात्रा इसमें घुली हुई है, किंतु जैसे ही हम इसका ढक्कन खोलते हैं वैसे ही जो इसके अंदर विद्यमान द्रव है उसकी सतह पर विद्यमान जो प्रेशर है वो घट जाता है, और जब प्रेशर घट जाएगा तो कम प्रेशर पर चूंकि विलेयता कम होती है, इस वजह से जो अधिक मात्रा में यहाँ गैस विलीन हुई थी वही गैस कम प्रेशर पर बाहर निकलने लगती, और जो गैस बाहर निकली वह गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसे भरा गया होता है इसमें, और यही कार्बन डाइऑक्साइड हमको बुलबुले के रूप में निकलती हुई दिखती। सेम यही चीज हम एक दूसरे उदाहरण में देखते हैं कि यदि हम गोताखोरों को देखें, गोताखोर जब समुद्र की गहराई में जाते हैं तो अपने पीठ पर एक सिलेंडर लेके जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे पानी के अंदर वो गैस विद्यमान नहीं है ऑक्सीजन, इसकी वजह से हम सिलेंडर लेके वहां जा रहे हैं। जो डाइवर होता है, गोताखोर होता है, वह पीठ पर एक ऐसा सिलेंडर लेके जाता है जिसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है प्लस ऑक्सीजन गैस भरी होती है प्लस हीलियम गैस होती है, और हीलियम अबाउट 11% के आसपास होती है, जबकि वायुमंडल में हीलियम गैस इतनी मात्रा में विद्यमान नहीं है, हमें सांस लेने के लिए इतनी हीलियम की आवश्यकता नहीं है जितनी गोताखोरों को है, तो क्यों उस गैस में हीलियम डाल दिया जाता है? आइए इसको समझते हैं। हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम समुद्र की गहराई में जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है,
आप पानी का दबाव नीचे जाएंगे तो निश्चित तौर पे प्रेशर बढ़ता जाएगा, और यह कहा गया है कि जब प्रेशर बढ़ेगा तो विलेयता क्या होगी, विलेयता अधिक होगी गैस की। अगर हम सिलेंडर में यह न ले जाते, हीलियम गैस न ले जाते, केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस ही भर के जो नॉर्मल गैस है सांस लेने वाली उसको लेके जाते तो क्या होता, जब हम उसको लेके जाते तो हमारे शरीर पर जो प्रेशर पड़ रहा है वो समुद्र की गहराई में ज़्यादा पड़ता, और समुद्र की गहराई में जब प्रेशर ज़्यादा पड़ता तो जो गैस हम इनहेल करते उस गैस में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा हमारे ब्लड में बहुत अधिक मात्रा में घुल जाती, क्योंकि गैस की विलेयता प्रेशर बढ़ने पर बढ़ती है। जब हमारे ब्लड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा घुल जाती तो वहाँ तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जब हम बाहर निकलते इस गहराई से ऊपर आते तो धीरे धीरे हमारे शरीर पर पड़ने वाला जो प्रेशर था वह प्रेशर कम हो जाता। तो जैसे अभी कोल्ड ड्रिंक वाले के केस में आपने देखा कि जब हम उसके ढक्कन को खोलते हैं और उसमें से गैस के बुलबुले निकलने लगते हैं, ऐसे ही जब हम समुद्र की गहराई से ऊपर आते तो हमारे शरीर पर जो दाब था वो कम होता, तो वह दाब हमारे शरीर की ब्लड वेसल्स पे कोशिकाओं पर भी कम पड़ता, और जब ब्लड वेसल्स पे कोशिकाओं पर वह दबाव कम पड़ता तो निश्चित तौर पे वो गैसें द्रव को छोड़ करके यानी द्रवीय रक्त को छोड़ करके बुलबुले के रूप में बाहर निकलने का प्रयास करती, और हमारा जो वेसल है उस वेसल में ब्लड के साथ साथ ये छोटे छोटे बबल्स पड़ जाते, इन बबल्स को बेंड्स कहा जाता, इन बबल्स को ही बेंड कहा गया है। और ये जो बेंड्स हैं जब हमारी रक्त वाहिकाओं में पहुंच जाती तो निश्चित तौर पे ये हमारे लिए प्राणघातक होती, इसलिए इस बेंड से बचने के लिए हम इसमें अक्रिय गैस, हीलियम आप जानते हैं अक्रिय गैस, इसकी मात्रा को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, जिससे यह गैस जो हमारे अंदर जाएगी इसे हमारा ब्लड नहीं सोखेगा, इसे एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि ब्लड के साथ इसका कोई कांटेक्ट नहीं था। तो इस मात्रा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो मात्रा है यदि उसमें कम हो गई रहेगी, जो गैस हम लेके जाते हैं उसमें हीलियम डाल देने से होता क्या है कि उसमें जो हम गैस इनहेल करेंगे उसमें एक ऐसी गैस विद्यमान है जिसमें हीलियम विद्यमान है जो अक्रिय, तो ये शरीर में जा करके हमारे ब्लड में नहीं घुल पाती, ब्लड के साथ इसका कोई कांटेक्ट नहीं होता, और जब यह बाहर निकलेगी तो जितनी हमारी नीड थी, जो हमारे ब्लड में घुली हुई गैसेस थी, वो गैसें कम हो जाएंगी, अधिक प्रेशर के कारण वो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, विलेयता ज़्यादा होगी, तो निश्चित तौर पे हमारी नीड तो पूरी होगी ऑक्सीजन की, और जब बाहर निकलेंगे तो उसमें से निकलने वाले जो बबल्स हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि जितनी गैस हमको चाहिए होती थी उतनी ही गैस हम वहाँ पे इनहेल किए होते, हमारे ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब की होती। तो इस ढंग से जो बेंड्स की समस्या है रक्त वाहिकाओं में, ये भी हेनरी ला के द्वारा ही गवर्न होता। एक तीसरा है और लास्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम पर्वतों पर चढ़ते हैं तो आप देखते हैं जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं प्रेशर कम हो जाता, प्रेशर घटता जाता है, ऊंचाई पर जाते जाते प्रेशर कम हो जाता, और जब प्रेशर कम हो जाएगा तो निश्चित तौर पे वायुमंडल में विद्यमान जो ऑक्सीजन गैस है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये भी कम हो जाएगी, और जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस कम हो जाएगी
और यहाँ पे प्रेशर कम है, तो कम प्रेशर पर गैस की ध्रुव में विलेयता घट जाती है, अर्थात वायुमंडल में विद्यमान जो ऑक्सीजन है हमारे शरीर के रक्त में उसकी विलेयता घट जाएगी, तो हमारे रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो आप जानते हैं कि एनर्जी के लिए निश्चित तौर पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, क्योंकि वही रेस्पिरेशन के द्वारा जो शरीर में विद्यमान ग्लूकोज है या कार्बोहाइड्रेट है उसका दहन करके हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो निश्चित तौर पे हमको थकान महसूस होगी, हमारी सोचने की शक्ति कम हो जाएगी। इस कंडीशन को जो कहा जाता है वह हम नाम देते हैं एस्टिग्मा। उस प्रभाव को नाम दिया गया है, सॉरी एस्टिग्मा नहीं, एनॉक्सिया। एनॉक्सिया इसमें जो आदमी की सोचने की शक्ति होती है वह प्रभावित होती है, साथ ही साथ उसको थकान महसूस होती है। लेकिन यह है एक ऐसी कंडीशन है जो थोड़े समय के लिए होगी, यानी आपको एक दिन दो दिन दिक्कत होगी, उसके बाद क्या होता है आपकी शरीर अपनी मैकेनिज्म के द्वारा ज़्यादा मात्रा में रक्त वाहिकाओं या आरबीसी का क्रिएशन करने लगती है। ज़्यादा मात्रा में जब आरबीसी होगी तो कम मात्रा में भी अगर ऑक्सीजन घुली हुई होगी, लेकिन अगर विलयन की मात्रा बढ़ जाएगी तो हमारी जो नीड थी, जो हमारी ऑक्सीजन की नीड थी उसकी पूर्ति हो जाती। तो इस सिचुएशन में आप देख रहे होंगे कि यहाँ से एनॉक्सिया रोग होता है कि जब आप पर्वतारोहियों को सामान्यता होता है, जब आप ऊंचाई वाले पर्वतों पर जाते हैं और दो दिन चार दिन दस दिन की हो सकता है समस्या हो, उसके बाद आपके शरीर सेल्फ मैकेनिज्म के द्वारा ऐसा एडजस्टमेंट करती है कि ये समस्या दूर हो जाती है। यहाँ पे एक और बढ़िया प्रश्न बन सकता है कि क्या जो हमारे पास मैदान में रहने वालों के पास आरबीसी काउंट होता है और जो पहाड़ों पर रहने वालों के लिए आरबीसी काउंट होगा, दोनों में कुछ अंतर होगा कि नहीं होगा? तो निश्चित तौर पे देख रहे हैं अंतर होगा, क्योंकि हमारे यहाँ कम मात्रा में रक्त होने पर भी, कम मात्रा में आरबीसी होने पर भी हमारी ऑक्सीजन की नीड पूरी हो जाती, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन की नीड पूरी करने के लिए आरबीसी की मात्रा को बढ़ाना पड़ता है। तो पहाड़ों पर रहने वालों के पास जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। तो कभी जीएस वगैरह में हो सकता है इस ढंग से प्रश्न पूछे जाएं, या आप नीट या इंजीनियरिंग एंट्रेंस वगैरह दें तो वहाँ पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बस आज इतना ही, हेनरी लॉ हमारा ख़त्म होता है। इसके नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएंगे, आप नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। इसमें हम चार प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, चार लेक्चर अभी हमें इस चैप्टर के लिए और चाहिए, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। थैंक यू।